सांस है जब तलक ना तो गैस आज मैं कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। एकदम आसान सब प्रोसेस है, आप लोग ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग ये वीडियो एडिटिंग करना सीख जाइएगा। सबसे पहले हम लोग पिक्सेल ऐप ओपन करेंगे, ठीक है। पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो पिक्सेल ऐप ओपन होने के बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने हम लोग यहाँ से चले जाएंगे इमेज रिसाइज वाला ऑप्शन है, तो हम सिंपली इमेज रिसाइज वाला ऑप्शन पर क्लिक करें। हम लोग यहाँ से रख लेंगे 9, ठीक है, और यहाँ से रख लेंगे 16, ठीक है, 16। तो इस तरह से रखने के बाद हम लोग ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हम लोग टेक्स्ट को हल्का नीचे रख लेंगे, ठीक है। रखने के बाद हम लोग अब इसमें फोटो ऐड करेंगे, ठीक है। जिस भी फोटो पे आप लोग स्टेटस बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग ऊपर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करें। यहाँ से चले जाएंगे फ्रॉम गैलरी, तो हम लोग सिंपली फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना, आप लोग यहाँ से एक इमेज ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से ए वाला इमेज ले लेता हूँ। ए वाला इमेज लेने के बाद आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से फोटो को इतना रखूँगा। इतना रखने के बाद फिर से हम लोग इस तरह से डन करूँगा। डन करने के बाद फोटो को मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा, पकड़ कर, ठीक है, कॉर्नर पकड़ कर कुछ इस तरह से आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा, आप लोग जितना एडजस्ट रखना चाहते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से इतना रखूँगा, ओके। और इतना रखने के बाद नीचे जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है हम लोग इस पर डबल बार टाइप करेंगे इस तरह से, ठीक है। डबल टाइप बार टाइप करेंगे तो हम लोग यहाँ से अब लिख लेंगे अपना हैप्पी रिपब्लिक डे, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद फिर से हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग इसको पहले छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद कुछ इस तरह से हमको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट टेक्स्ट को एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इतना रखूँगा। इतना रखने के बाद नीचे जो एक ऑप्शन है हम लोग सिंपली ए वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँ। ए वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, हम लोग सिंपली चल जाऊँगा फॉन्ट वाला ऑप्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ से चल जाऊँगा फॉन्ट वाला ऑप्शन में, फॉन्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। फॉन्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने हम लोग यहाँ से चल जाएंगे माई फॉन्ट, ठीक है। माई फॉन्ट पर जाने के बाद हम लोग नीचे चलेंगे, नीचे का ऑप्शन है रोड स्टोर, ठीक है। तो हम लोग सिंपली ए वाला फॉन्ट लगा लेंगे। अगर आप लोग के पास ए वाला फॉन्ट नहीं है तो ए वाला फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहां से ले लेता हूं रोड स्टोन फॉन्ट को, ओके कर लूँगा लेकर, ठीक है। और इस तरह से करने के बाद इसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे। तो मैं कुछ इस तरह से इतना रखूँगा। इतना रखने के बाद हम लोग अब यहाँ से चले जाएंगे कलर वाला ऑप्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ से कलर वाला ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन है, तो हम लोग सिंपली कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करें। कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करें, हम सिंपली यहाँ से ग्रेडिएंट का ऑप्शन है, तो हम लोग सिंपली ग्रेडिएंट वाला ऑप्शन में जाएंगे और हम लोग यहाँ से कोई भी एक कलर लेंगे। जैसे मैं एक कलर ले लूँ, ठीक है। और एक कलर लेने के बाद हम लोग यहाँ से देख लीजिए नीचे जो प्लस वाला आइकॉन है इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करेंगे। प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसमें कलर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो कलर एडजस्ट करने के सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इधर वाला पे। तो हम लोग सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करना, यहाँ से चलूँगा कलर वाला ऑप्शन में। कलर वाला ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग इसे कर लेंगे गेरुआ कलर, ठीक है। आप लोग भी कर लीजिएगा गेरुआ कलर, तो आप लोग गेरुआ कलर पहले रख लीजिएगा, कुछ इस तरह से ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें जो लास्ट में लास्ट वाला पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से चलूँगा कलर वाला ऑप्शन, इसे कर लूँगा ग्रीन, ओके। ग्रीन करने के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ जो प्लस वाला आइकॉन है, ठीक है, देखिए माइनस प्लस, तो हम लोग प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से बीच में आ जाएगा। तो बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से चलूँगा फिर से कलर में, ऐसे कर लूँगा वाइट, ठीक है। आप लोग वाइट कर लीजिए, वाइट करने के बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप लोग देख लीजिए इसे एडजस्ट कुछ इस तरह से कर लीजिएगा बीच में, इतना उतना करने के बाद फिर से ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग हो जाएगा रिपब्लिक डे, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको जो है डन करेंगे, ठीक है। डन करने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से आगे आने के बाद यहाँ पे दिखाएगा आप लोग को, देख लीजिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टॉक वाला ऑप्शन पे इनेबल करेंगे, ठीक है। स्टॉक वाला ऑप्शन पे इनेबल करने के बाद फिर डन करेंगे। डन करने के बाद हम लोग सिंपली आगे आने के बाद यहाँ पे 3D शैडो, ठीक है। तो हम लोग सिंपली 3D शैडो वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसको हल्का बढ़ा लूँगा, ठीक है। कुछ इस तरह से इतना रखना फिर से डन करूँगा। डन करने के बाद हम लोग इसको वाला ऑप्शन को भी इस तरह से इनेबल कर दूँगा, इस तरह से ओके कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो शायरी लिखेंगे, ठीक है। तो शायरी लिखने के लिए फिर से हम लोग ऊपर जो लिखा हुआ ऊपर जो प्लस वाला आइकॉन हम लोग इस पर क्लिक करूँगा, फिर टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाऊँगा, फिर से डबल टैप इस पर करूँगा। हम लोग यहाँ से लिख लूँगा शायरी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से शायरी लिख लेता हूँ। मैं इस तरह से शायरी लिख लूँगा। शायरी लिखने के बाद मैं कुछ इस तरह से ओके करूँगा, ठीक है। ओके करने के बाद मैं कुछ इस तरह से शायरी को एडजस्ट कर लूँगा, शायरी को भी, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं इतना रखूँगा इसको, और इसको हल्का इतना रखूँगा,
अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इतना रखने के बाद हम लोग सिंपली इसको हल्का स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे कलर वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तो हम सिंपली कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम लोग इसको कर लेंगे पहले ब्लैक, ठीक है। ब्लैक करने के बाद हम लोग जो इसको जो है हम लोग जहाँ तहाँ मतलब हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको लोग जो भी कलर रखना चाहते हो वो कलर रख लीजिएगा। तो मैं कुछ इस तरह से फर्स्ट वाला ऑप्शन को कुछ इस तरह से हाईलाइट करूँगा, येलो करूँगा, ठीक है। फिर से मैं लास्ट में आऊँगा, लास्ट में आने के बाद मैं कुछ इस तरह से इतना को हाईलाइट कर लूँगा, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद फिर से हम लोग ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद हम लोग सिंपली एक फॉन्ट वाला ऑप्शन में जाएंगे। फॉन्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे मैं ये बोल्ड कर लूँगा ऐसा, ठीक है। क्योंकि बोल्ड लिखना चाहिए, तो देखिए इस पर टिपता हूँ तो बोल्ड होता है, इस पर टिपता हूँ तो बोल्ड नहीं होता, तो बोल्ड कर लूँगा। बोल्ड करने के बाद फिर से मैं ओके कर लूँगा, ठीक है। ओके करने के बाद हम लोग शायरी को भी एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, और एडजस्ट करने के बाद मैं कुछ इस तरह से आगे आऊँगा, ठीक है। आगे आने के बाद हम लोग इस तरह से देखता हूँ, शैडो लगाकर अच्छा लगेगा तो ठीक है लगाऊँगा, नहीं लगेगा तो ऑफ कर दूँगा। तो मैं शैडो लगाता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखता है, तो अच्छा नहीं लग रहा तो दिखता हूँ हल्का इसको स्क्रॉल, हल्का नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद अब हम लोग इसमें जो है इमोजी वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो इमोजी लगाने के लिए फिर से हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँ, फिर से टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाऊँगा, फिर से इस पर डबल टैप करूँगा, ठीक है। डबल टैप करने के बाद हम लोग यहाँ से इमोजी लगा लेंगे, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। तो मैं कुछ इस तरह से इमोजी आप लोग को जो अच्छा लगे वो लगा लीजिएगा। तो मैं कुछ इस तरह से इमोजी लगा लेता हूँ, ठीक है। ओके करने को, ओके करने के बाद कुछ इस तरह से इमोजी को नीचे लाऊँगा हल्का, और इसको नीचे करूँगा, और इसको इतना, ठीक है। अब हम लोग जो स्टॉक वाला ऑप्शन इससे इनेबल करूँगा, ठीक है, डन करूँगा, फिर से स्टॉक वाला ऑप्शन को इनेबल करूँगा, डन कर दूँगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग नीचे दिखा रहा है कॉपी टाइप का ऑप्शन, हम लोग इस पर क्लिक करूँगा, हम लोग यहाँ से कर लूँगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम लोग अभी इसे सेव करेंगे, ठीक है। तो सेव करने के लिए ऊपर जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा, थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा, हम लोग यहाँ से कर लेंगे एक्सपोर्ट इमेज, ठीक है। एक्सपोर्ट इमेज पर जाने के बाद यहाँ ऊपर जो PNG लिखा हुआ PNG रहने दीजिएगा, कस्टम पर क्लिक करके हम लोग इसे कर लेंगे अल्ट्रा, ठीक है। यहाँ रहे अल्ट्रा, अल्ट्रा करने के बाद हम लोग अभी यहाँ से कर लूँगा सेव टू गैलरी, तो ये इमेज सेव हो जाएगा। अब हम लोग अलाइट मोशन ओपन करेंगे, ठीक है। तो अलाइट मोशन ओपन करने के बाद अगर आप लोग पास अलाइट मोशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग यहां से साइंस से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहां से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करता हूं। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख लीजिए 92 सोलर रेशियो रख लीजिएगा, यहां से कर लीजिएगा क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद हम लोग सिंपली यहां प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने हम सिंपली मीडिया वाला ऑप्शन में जाएंगे। मीडिया वाला ऑप्शन में जाने के बाद हम सिंपली यहाँ से पिक्सल ऐप ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं पिक्सल ऐप से अभी जो बनाया हूँ लिखा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से इसको लगा लूँगा, ठीक है। इसे लगाने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से बैक करेंगे हल्का। बैक करने के बाद हम लोग इसमें साउंड ऐड करेंगे, ठीक है। तो साउंड ऐड करने के लिए सिंपली नीचे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करें, यहाँ से चले जाएंगे ऑडियो वाला ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ से व्यू ऑल कर देंगे, जहाँ भी आपका फोल्डर में साउंड होगा वहाँ से आप लोग लगा लीजिएगा। तो चलिए मैं जो साउंड यूज कर रहा हूँ वो साउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से लगा लीजिएगा ए वाला साउंड, ठीक है। तो चलिए मैं ए वाला साउंड लगा लेता हूँ, और ए वाला साउंड लगाने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से बैक करेंगे हल्का। बैक करने के बाद कुछ इस तरह से लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आने के बाद देखिए ऊपर साउंड का ऑप्शन है, नीचे जो है फोटो का ऑप्शन है, ठीक है। हम जो PNG लगाए ओ वाला ऑप्शन है, तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, हम लोग ए वाला ऑप्शन पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा फुल में, ठीक है। यानी जितना साउंड का लेयर था जितना फोटो का भी लेयर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अब हम लोग फर्स्ट में आएंगे, ठीक है। तो फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँ, यहाँ से चल जाऊँगा इफेक्ट वाला ऑप्शन पे। इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद हम लोग सिंपली कर लेंगे ऐड इफेक्ट, ठीक है। ऐड इफेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से वेव रेप सेट करेंगे, ठीक है। WA जैसे ही WA लिखेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा, तो फर्स्ट में आ जाएगा वेव रेप, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करना, हम सिंपली स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम सिंपली इधर जो है प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना, हम लोग इसको कर लेंगे 2.5 सेकंड, 2.5 पे, ठीक है। 2.50 तो ज़्यादा हो गया, तो मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ 2.50, ठीक है। तो 51 है मेरा। अब मैं कुछ इस तरह से फिर से मैं इस तरह से लास्ट में आऊँगा, ठीक है। लास्ट में आने के फिर से मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँ, इसे कर लूँगा 0, ठीक है। सुन करने के बाद फिर मैं कुछ इस तरह से फर्स्ट में आऊँगा, ठीक है। फर्स्ट में आने के बाद मैं कुछ इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग का ऑप्शन है, तो हम लोग सिंपली स्प्रिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, इसे कर लूँगा 3, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोग वैसे कर लीजिएगा। तो मैं इसे कर लूँगा 3, कम हो गया, ठीक है। तो मैं किसे इसे कर लिया 3.1 हो गया 3, ठीक है। 3 करने के बाद मैं इसे कर लूँगा 2, ठीक है। तो मैं इसे अब कर लूँगा 2, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप लोग वैसे ऐसे कर लीजिएगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो मैं इसे कर लूँगा 2 सेकंड,
टू सेकंड हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा बैक करूँगा, ठीक है। बैक करने के बाद फिर से मैं इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाऊँगा, फिर से ऐड इफेक्ट में जाऊँगा। मैं यहाँ से कर लूँगा अब पेज करल, ठीक है। तो जैसे लिखूँगा पी ए जी, ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा पेज करल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करूँगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करूँगा, फिर से यहाँ पेज कलर पे क्लिक करूँगा, पेज कलर पे क्लिक करूँगा। मैं कुछ इस तरह से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा, ऐसे कर लूँगा पूरे एकदम लास्ट में, कुछ इस तरह से इतना लास्ट में एकदम हट गया, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से आगे आऊँगा तो मेरा गाना है 14 सेकंड तक, तो मैं कुछ इस तरह से 12 सेकंड पर आऊँगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रहे, आप लोग भी 2 सेकंड छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 2 सेकंड छोड़ के इस तरह से आ जाएगा 12 सेकंड पे, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से 12 सेकंड पे आ गया हूँ। 12 सेकंड पे आने के बाद फिर से मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा, ऐसे कर लूँगा कुछ इस तरह से एकदम हटा लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से इतना कर लूँगा। इतना करने के बाद फिर से हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद फिर से हम इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाएंगे, फिर से ऐड इफेक्ट में जाऊँगा, यहाँ से कर लूँगा ग्लो स्क्रीन, ठीक है, GLO, ठीक है। जैसे इतना सर्च करें तो सेकंड में आ जाएगा ग्लो स्क्रीन, तो हम सिंपली ग्लो स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, ग्लो स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, सिंपली स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करने बाद फिर से हम लोग ग्लो स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, और ग्लो स्क्रीन पे क्लिक करने बाद हम लोग फिर से मैं चले आऊँगा 12 सेकंड पे, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह सबसे पहले फर्स्ट में आऊँगा, ठीक है। फर्स्ट में आने के बाद फिर से मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद मैं कुछ इस तरह से इसको कर लूँगा फुल, ठीक है। इस तरह से फुल करने के बाद फिर से मैं आ जाऊँगा 12 सेकंड पे, ठीक है। पहले फर्स्ट में जाइएगा, फिर से 12 सेकंड पे आ जाइएगा, 2 सेकंड पीछे छोड़ के। आप लोग का जितना रहेगा उतना चलेगा, अगर 10 सेकंड है तो 8 सेकंड पे आ जाएगा, पर 11 सेकंड है तो आप लोग 9 सेकंड पे आ जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह से आएगा, फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करो, यानी 2 सेकंड पीछे से छोड़ देना। मैं कुछ इस तरह से फिर से कर लूँगा 0.0, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग देख लीजिए वीडियो, कुछ इस तरह से दिखेगा, आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए अब मैं ऐसे सेव करता हूँ, ठीक है। तो सेव करने के लिए सेव करने के लिए ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन है, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।